brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब इस मामले पर सियासत ने भी जोर पकड़ लिया है। तमाम तरह की बयानबाजियां इस मामले पर हो रही हैं। वहीं अब अंसारी परिवार का इलाका माने जाने वाले गाजीपुर को लेकर भी सियासी गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो अंसारी परिवार की टेंशन बढ़ा सकता है। नमस्कार, मैं हूं उपासना और आप देख रहे हैं यूपी तक। दरअसल ओम प्रकाश राजभर वाराणसी में एक मदरसे के कार्यक्रम में शरीक होने पहुंचे थे। इस बीच उनसे जब गाजीपुर सीट पर ब्रजेश सिंह को चुनाव लड़वाने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब एनडीए के लोग तैयार हो जाएंगे तो देखा जाएगा। मंत्री जी, गाजीपुर सीट को लेकर अभी असमंजस बना हुआ है, आप लगातार गाजीपुर सीट की मांग कर रहे थे। अच्छा, ये बताओ कि अखिलेश जी का कुल जारी हो गया, कांग्रेस की जारी हो गई, वो सीटें हो रही हैं। देखिए, जैसे होता है ना कि जब तक फैसले न आ जाएं तब तक सीट मांगी जा रही कि एगो और मिल जाए, लही जाए तो लही जाए। क्या लग रहा है, लेट हो रहा है क्या? नहीं, हमारी वजह से नहीं, हम जुगाड़ कर रहे हैं। आप बोले थे कि हम ब्रजेश सिंह को वहां से चुनाव लड़ाने की जो है एनडीए से बात कर रहे हैं। जब एनडीए के लोग तैयार होंगे तो फिर देखा जाएगा। आप प्रयास में हैं? बिल्कुल प्रयास, काहे नहीं करेंगे। अंसारी परिवार और ब्रजेश सिंह की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। वहीं राजभर के बयान से ये तो साफ है कि वो चाहते हैं कि ब्रजेश सिंह गाजीपुर से चुनाव लड़े। एक तरफ जहां अफजाल अंसारी सपा प्रत्याशी के तौर पर गाजीपुर के मैदान में है, तो वहीं अब बीजेपी ने अपने पत्ते अभी गाजीपुर सीट पर खोले नहीं है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि राजभर की बात मानकर बीजेपी ब्रजेश सिंह को मैदान में उतार सकती है। वहीं अगर ऐसा नहीं भी होता और बीजेपी अपने सिंबल पर ब्रजेश सिंह को चुनाव नहीं लड़वाती तो ये भी संभव है कि राजभर अपनी पार्टी के सिंबल पर उन्हें मौका दें। दोनों में से किसी भी परिस्थिति में गाजीपुर सीट पर मुकाबला रोमांचक हो सकता है। ये खबर हमें भेजी है वाराणसी से रोशन जायसवाल ने। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें ये कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए यूपी तक।